हेलो फ्रेंड्स, ये सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरीके से फेसबुक पर कंटेंट को पोस्ट किया जाए जिससे कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोग ऑनलाइन बाय करें या तो फिर ऑर्डर प्लेस करें। अब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट की लिंक को हम फेसबुक पर पोस्ट करेंगे। देन यूजर उस पोस्ट को क्लिक करके आपके प्रोडक्ट के पेज पर आएगा जहां पर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद यूजर को यदि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो वो प्राइसिंग के पेज पर जाएगा, और उसके बाद यदि उसे सूटेबल लगता है तो यूजर ऑनलाइन पेमेंट करेगा या तो फिर ऑर्डर प्लेस करेगा। अब फ्रेंड्स, मान लो कि यदि आपके पास वेबसाइट नहीं है फिर भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। सो बी पॉइंट में वी विल सेल द प्रोडक्ट्स विदाउट अ वेबसाइट। अब यहाँ पर आपको एक लिंक को पोस्ट करना होगा। अब क्योंकि आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट की लिंक पोस्ट नहीं करोगे, आप पेमेंट गेटवे की लिंक को पोस्ट करोगे। ये हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, बट अभी आपको समझना है कि जिस पेमेंट गेटवे को आप यूज कर रहे हो उसकी लिंक को आपको फेसबुक पर पोस्ट करना है। देन यूजर उस प्राइसिंग के पेज पर लैंड होगा, यानी कि जो पेमेंट गेटवे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा है वहां पर आपके प्रोडक्ट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, एंड देन यूजर को यदि इंटरेस्ट है तो वो ऑनलाइन बाय करेगा या तो फिर ऑर्डर प्लेस करेगा। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम फेसबुक पर पोस्टिंग करना स्टार्ट करें, आपको B2B मॉडल और B2C मॉडल के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। B2B मॉडल यानी बिजनेस टू बिजनेस, जहां पर जो कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता है वो अपने बिजनेस के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है, और B2C मॉडल में जो बंदा प्रोडक्ट खरीदता है वो उस प्रोडक्ट या सर्विस का यूज अपने खुद के कंजम्पशन के लिए करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C मॉडल। ओके फ्रेंड्स, इस सेशन के लिए हम लोग magnetmarketing.in का एग्जांपल लेंगे। सी, ये हमारी कंपनी है और हम यहाँ पर दो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक है ट्रेनिंग और दूसरा है सर्विसेज। ट्रेनिंग सेक्शन में हम लोग एक वीडियो ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप इजीली इंटरनेट मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो, जबकि सर्विसेज में हम दूसरे बिजनेस को ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं और उनसे हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली B2B और जबकि ट्रेनिंग इज B2C मॉडल। सो इस सेशन के लिए हम लोग ट्रेनिंग सेक्शन को यूज करेंगे क्योंकि दिस इज B2C मॉडल, और B2C मॉडल की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जनरेट सेल्स, जबकि B2B मॉडल में जनरेट लीड्स यानी कि इंक्वायरी जनरेट करना, फिर उन्हें और डिटेल बताना एंड देन सेल्स में कन्वर्ट करना। अब फ्रेंड्स, यदि आपको याद हो तो स्ट्रेटेजिक फ्लो के सेशन में हमने बात की थी कि यूजर को फेसबुक के एनवायरमेंट से बाहर निकालकर हमारी वेबसाइट पर ड्राइव करना चाहिए जिससे कि यूजर हमारी वेबसाइट पर सिर्फ हमारे ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करें। ओके, अब ये जो पोस्ट आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली लिंक, यदि यूजर इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर चला जाएगा। सो इस पोस्ट के लिए सबसे पहले आपके पास मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो मेन ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर टेक्स्ट होने चाहिए कि एग्जैक्टली आप अपने रीडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज। फ्रेंड्स, फेसबुक का जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली व्हाइट कलर में है, इसीलिए हाई कॉन्ट्रास्ट जो इमेजेस होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। और आपको ये भी बात नोट करनी चाहिए कि लोग जनरली स्क्वायर या कुछ भी रेशियो में इमेजेस को पोस्ट करते हैं, जबकि इमेजेस को पोस्ट करने के लिए आइडियल रेशियो है 1200 पिक्सल बाय 627 पिक्सल्स। एक और बात फ्रेंड्स आपको नोट करनी होगी कि किसी भी इमेज में 20% से ज्यादा टेक्स्ट नहीं होने चाहिए। देन डेस्टिनेशन हेडर, यूजर को ये पता होना चाहिए कि ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, इमेज से मुझे और ज्यादा समझ में आ गया, एंड जहां पर मैं क्लिक करके रीडायरेक्ट होने वाला हूं उसका हेडर क्या है। सो देख सकते हो इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, एंड देन आपके प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन आप यहां पर लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब मैं मेरे फेसबुक के पेज मैग्नेट मार्केटिंग पर मूव करता हूं। अब फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेसबुक अकाउंट एंड फेसबुक पेज। फेसबुक अकाउंट हम हमारे खुद के लिए यूज करते हैं फॉर पर्सनल पर्पसेस, जबकि फेसबुक पेज कंपनी या प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए यूज होता है। सो यहां पर मैं जो भी प्रैक्टिकल्स करने जा रहा हूं वो फेसबुक पेज के ऊपर करने जा रहा हूं। ओके, अब मैं मूव कर रहा हूं www.magnetmarketing.in पर।
ये इस कंपनी की वेबसाइट है और मैं चाहता हूं कि यूजर फेसबुक के ऊपर क्लिक करके इस डेस्टिनेशन लिंक पर या इस डेस्टिनेशन पेज पर लैंड करें। सो एड्रेस बार से इस लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूं एंड देन फेसबुक के पेज के ऊपर आकर स्टेटस में इस चीज को मैं पेस्ट कर रहा हूं। जैसे ही आप लिंक को पेस्ट करोगे तो फेसबुक आपके वेबसाइट से अवेलेबल इमेजेस को यहां पर डिस्प्ले करेगा। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। सो मेरे पास ऑलरेडी यहां पर कंटेंट्स है, इसे मैं कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर रहा हूं। अब फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जरिए यूजर को पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहते हो। अब दिस इज द इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, इसीलिए यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव रखा है कि डू यू वॉन्ट टू प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन, यानी क्या आप अपने कंपनी या प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हो। ये टेक्स्ट से बिजनेस ओनर्स अट्रैक्ट होंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया है, डू यू वॉन्ट टू मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, ये अट्रैक्ट करेगा जॉब पर्सन, स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स को। देन द थर्ड कैटेगरी इज डू यू वॉन्ट टू मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन एक्टिविटीज, यहां पर ऐसे लोग जो वेब में अपनी प्रेजेंस रखते हैं और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं और ऑनलाइन एक्टिविटी के जरिए इनकम अर्न करना चाहते हैं, वो भी यहां पर अट्रैक्ट होंगे। सो आप इन तीन कैटेगरीज में से हो, इफ यस देन ज्वाइन इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स। बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव के जरिए मैंने मेरे प्रोडक्ट का मैसेज दे दिया। देन इमेज को भी रहने देते हैं। इसके बाद यहां पर नीचे डेस्टिनेशन हेडर डिफाइन करना होगा, यानी कि प्रोस्पेक्ट को यह पता चलना चाहिए कि जिस जगह पर वो क्लिक करके जाएगा उसका मेन हेडिंग क्या है। सो यहां पर लर्न इंटरनेट मार्केटिंग, उसके बाद डेस्टिनेशन डिस्क्रिप्शन, ये जनरली मैं मेरे वेबसाइट से ही लूंगा, ट्रेनिंग सेक्शन में जाकर कॉपी डिलीट एंड पेस्ट। उसके बाद मैं बाहर किसी भी ब्लैंक एरिया में क्लिक कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, हमारी डेस्टिनेशन लिंक डिफाइन हो चुकी है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो चुका है, हेडर एंड डिस्क्रिप्शन डिफाइन हो चुका है। अब हम लोग इमेज पे वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, इमेज के लिए मैं प्रिफर करता हूं ipki.com, इट्स ipicci.com। यदि मान लो कि आपको फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ या किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एडवांस नॉलेज नहीं है तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इजीली इमेज को एडिट कर सकते हो। सो यहां पर स्टार्ट एडिटिंग, उसके बाद अपलोड फोटो, और यहां पर मैंने कुछ इमेजेस नेट से डाउनलोड किए हैं, दिस वन इज फाइन। उसके बाद डबल क्लिक। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इमेज को क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए हम लोग स्केल फोटो कांस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे, देन 1200 बाय 627, यानी आइडियली फेसबुक पे यदि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसकी इमेज की साइज 1200 पिक्सल्स बाय 627 पिक्सल्स होनी चाहिए। सो यहां पर हमने डिफाइन कर दी। अब ये क्रॉपिंग बॉक्स आ चुका है एंड देन विल क्रॉप। इससे फ्रेंड्स आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली फेसबुक पर आपकी जो पोस्ट है या इमेज है वो किस तरीके से दिखाई देगी। सो दिस इज फाइन एंड देन अप्लाई। सो इमेज क्रॉप हो चुकी है। देन हम लोग जाएंगे लेयर्स में। इसमें मैं सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स ऐड कर रहा हूं। उसके बाद इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं। उसके बाद अगेन एक लेयर टेक्स्ट, उसमें मैं टाइप करूंगा लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं। उसके बाद इस फॉन्ट्स के कलर में चेंज कर रहा हूं टू व्हाइट। लुक्स ग्रेट। और जैसे ही ये खत्म हो जाए यहां पर ओके पे क्लिक करना है।
एंड देन सेव, और उसके बाद सेव टू माय कंप्यूटर। फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, एफ बी एड वन एंड देन सेव। अगेन मेरी पोस्ट पर मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद आप चाहो तो वेबसाइट से भी इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, और यदि आप चाहो तो अपनी इमेज भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। सो आई क्लिक अपलोड इमेज डेस्कटॉप, और यहाँ पर फेसबुक एड वन एंड देन ओपन। सो फ्रेंड्स, ये इमेज अपलोड हो रही है। उसके बाद पोस्ट, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से और दो तीन ऑप्शंस आप फेसबुक पे ट्राई कीजिए, और जिस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स आपको मिलती है, या लोग जिस पोस्ट पर सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं या एंगेज रहते हैं, उस पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हो। बूस्ट यानी फेसबुक पर पेड एडवर्टाइजमेंट, जो हम आगे के सेक्शन में कवर करेंगे। बट अभी आपको समझना है कि ये पोस्ट पर सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आ रही है, तो इस पोस्ट को आप चाहो तो पेड मीडिया के जरिए बूस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं क्लिक करूंगा कैंसिल। अब यूजर को यदि इस पोस्ट में इंटरेस्ट आता है, तो यूजर इस पोस्ट पे क्लिक करेगा एंड ही इज रीडायरेक्टेड टू अवर वेबसाइट, देन विल गो टू ट्रेनिंग। उसके बाद यहां पर कोर्स डिटेल्स दी गई है, दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विस पेज, देन कोर्स फीस, एंड देन यूजर यहां से इस कोर्स को बाय कर सकता है। पे नाउ एंड देन अपनी डिटेल्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपके पास खुद की वेबसाइट नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसमें आप वेब स्टोर बना सकते हो, या तो फिर पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हो। अब ऑनलाइन तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको पेमेंट लिंक्स प्रोवाइड करती है, बट इस तरीके के विदाउट वेबसाइट कंटेंट्स के लिए मैं प्रिफर करता हूँ इंस्टामोजो। इस वीडियो के नीचे मैंने सारे सर्विसेज की लिंक्स दी गई है, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल मैं मेरा अकाउंट ओपन कर रहा हूँ इंस्टामोजो। इसमें आप देख सकते हो इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, यहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स का टाइटल हेडिंग दे सकते हो, दिस द प्राइस, और यहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। आप चाहो तो यहां पर इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल मैंने इमेजेस को ऐड नहीं किया है। और यूजर को यदि ये डिस्क्रिप्शन सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तो डायरेक्टली गेट इट नाउ पे क्लिक करेगा एंड देन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट करेगा। अब यदि मान लो कि यूजर को कोई डाउट है, तो यहां पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर सकते हो, जिससे कि यूजर आपको ऑर्डर करने के लिए कॉल करेगा और आप उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अब इस केस में इस लिंक को कॉपी कर रहा हूं मैं, सो दिस इज द लिंक। उसके बाद फेसबुक पर जाकर स्टेटस में जाकर कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, उसके बाद यहां पर जाकर आप इमेज को चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्टिव। अब फ्रेंड्स, यहां पर आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो आपको डायरेक्टली कॉल फॉर एक्शन को डिफाइन करना होगा कि बाय ऑनलाइन कोर्स फॉर इंटरनेट मार्केटिंग, देन इमेज के नीचे डेस्टिनेशन हेडर लर्न इंटरनेट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब यहां पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, एंड देन पोस्ट। अब फ्रेंड्स, यूजर को इस कोर्स में इंटरेस्ट है, तो यहां पर क्लिक करेगा, देन ही इज रीडायरेक्टेड टू द डेस्टिनेशन लिंक, एंड देन यहां से वो परचेस कर सकता है या आपको कांटेक्ट कर सकता है। सो दिस कंक्लूड्स अवर सेशन ऑन कंटेंट पोस्टिंग ऑन फेसबुक फॉर जनरेटिंग सेल्स। थैंक यू वेरी मच।